इंडियन न्यूज 24 आवर। दिल्ली पानीपत हाईवे पर दर्दनाक हादसा, चार नेशनल खिलाड़ियों की मौत। हादसे में कार के पर खच्चे उड़े गए। पुलिस ने बताया कि कार की हालत देखकर कहा जा सकता है कि कार की रफ्तार बहुत तेज रही होगी। नई दिल्ली ANI रविवार सुबह सुबह एक सड़क दुर्घटना में चार नेशनल खिलाड़ियों की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल है। घायल खिलाड़ियों का इलाज चल रहा है। यह घटना दिल्ली पानीपत हाईवे पर सिंधु बॉर्डर के पास हुई। यह दुर्घटना कार संतुलन बिगड़ने के कारण हुई। बता दें कि सभी पावर लिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं। मरने वालों में टीकम चंद 27 साल, सौरभ 18 साल, हरीश रॉय 20 और योगेश 24 के नाम शामिल हैं। ये सभी संजय बास्ती तिमारपुर दिल्ली के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि सभी खिलाड़ियों के परिजन हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। यह हादसा रविवार सुबह 4 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि सुबह खिलाड़ी स्विफ्ट डिजायर कार से कहीं जा रहे थे, अचानक संतुलन बिगड़ने से कार पहले डिवाइडर से बाद में खंभे से जा टकराए, जिसके कारण यह एक्सीडेंट हुआ। अलीपुर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। कार में सवार इन खिलाड़ियों में चार खिलाड़ियों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दो खिलाड़ियों को गंभीर हालत में नरेला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल से मैक्स अस्पताल शालीमार बाग के लिए रेफर किया गया है। गंभीर रूप से घायलों में सक्षम यादव भी हैं। सक्षम दिल्ली के नांगलोई के रहने वाले हैं। सक्षम यादव ने 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया के लिए गोल्ड जीता था। उनके सिर पर गहरी चोट लगी है। सूत्रों के अनुसार बाकी खिलाड़ी दिल्ली के तिमारपुर एरिया के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी खिलाड़ी किसी प्रतियोगिता में जा रहे थे। हादसे में कार के पर खच्चे उड़े गए। पुलिस ने बताया कि कार की हालत देखकर कहा जा सकता है कि कार की रफ्तार बहुत तेज रही होगी। पायापी यादव मोबाइल पर भी अपनी पसंदीदा खबरें और नाच के लाइव्स को पाने के लिए जाएं m.jagrin.com।